हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी द कुक। आज हम स्प्राउटेड मूंग की सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। ये 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है, इसे हमें गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं अब आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। जैसे ही यह अच्छी तरह से तड़कने लगे, तब मैं इसमें 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच हींग ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और जीरा का मिक्सचर है, ये 1 टेबलस्पून है। इसे मैंने कूट लिया है, ये भी हम इसमें डालकर इसे बिल्कुल ज़रा सा सौते कर लेंगे। ये ज़रा सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ। ये 3 रफली चॉप्ड प्याज हैं, इसे हम सौते कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल ज़रा सा ही फ्राई करेंगे इसे। मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, हमें बस इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, साथ ही में ये 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, ये 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसे ज़रा सी देर के लिए मसाले मिक्स होकर फ्राई होने तक मिला लेंगे। बस ज़रा सा मिक्स हो जाए, इतना ही हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें स्प्राउटेड मूंग ऐड कर देंगे। ये स्प्राउटेड मूंग है, ये 1/2 किलो जितने हैं। इसे मैंने दिन भर भिगो कर रखा था और रात को मैंने इसे एक कॉटन के कपड़े में बांध कर रखा था। तो ये इस तरह से देखिए स्प्राउट हो चुके हैं, ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं, ये बाहर भी मिलते हैं, आप इस तरह से घर में बना सकते हो। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में चेक करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मसाले मिक्स होने तक मिला लेंगे। ये बहुत ही सिंपल सब्जी है, आसानी से बन जाती है और इसे कुक होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। इसे मैंने अब मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसमें ये ज़रूर डालें, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये सूखी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, आप इसे टिफिन के लिए भी बना सकते हैं और ये हेल्दी भी बहुत है। चलिए अब हम इसमें ज़रा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ ये जले ना इतना ही पानी हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे ढक कर कुक करने के लिए रख देंगे और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक कुक कर लिया है। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी बिल्कुल ज़रा सा डाला था, जो ये स्टीम का पानी आता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से हमें सब्जी को सूखी ही रखनी है। ये सब्जी अब मोर देन हाफ कुक हो चुकी है, अब हम इसमें ये चॉप्ड टमाटोज ऐड कर देंगे। ये 2 फाइनली चॉप्ड टमाटोज हैं, इसे इस तरह से डालकर हम इसे सब्जी के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा
हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करके अब हम इसे चलाएंगे नहीं, इसे सिर्फ वापस ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक और कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम सब्जी चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने सिर्फ इसमें ये स्टीम का जो पानी आता है वो ही इसमें ऐड किया है और बिल्कुल भी बाहर का पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इस तरह से हमें सब्जी को सूखा ही रखना है। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है और स्प्राउटेड मूंग सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स और मुझे बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, चलिए मैं चेक कर लेती हूँ हमारे स्प्राउटेड मूंग कुक हो चुके हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना ही कुक करना है। चलिए ये बिल्कुल अब रेडी है, इसे मैं 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लूँगी और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया है, ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। हमारी सब्जी अब रेडी हो चुकी है, मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ और अब हम इसे सर्व कर देते हैं। वाओ ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है, टिफ़िन में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे रोटी पराठा या दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ और ये खाने के लिए तैयार है। वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।